आज हम चर्चा करेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। ये काफी कॉमन कंप्लेंट है और कई कारणों से हो सकती है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि उनके हाथ पैरों के अंदर जलन होती है, कांटे जैसे चुभते हैं, या फिर उनको सेंसेशन काफी अधिक महसूस होता है, हाइपर सेंसेशन है, या सेंसेशन की कमी हो गई है। चलते हैं तो उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि पैरों के नीचे ऐसा लगता है जैसे कारपेट डला हो, या ऐसा लगता है कि जैसे पानी के ऊपर चल रहे हैं। कुछ लोगों के सेंसेशन इतने कम हो जाते हैं कि चप्पल अपने आप पैरों से निकल जाती है, उन्हें मालूम नहीं पड़ता। कुछ कांटा जैसा चुभ गया या कोई कंकड़ था वो चुभ गया, उसके बारे में एहसास नहीं होता, घाव बन जाता है। या फिर हाइपर सेंसेशन की शिकायत, पेन बहुत अधिक होता है, पैरों में शूटिंग पेन होता है, या फिर उनमें कांटे जैसे चुभते हैं। कई बार लोगों को इम्बैलेंस की शिकायत करते हुए आपने सुना होगा, या कई बार ये देखा गया है कि हाथ पैर के मसल्स पतले हो रहे हैं। अक्सर डायबिटीज के पेशेंट इस प्रकार की शिकायत करते हैं कि उनके हाथ पैरों में वीकनेस आ रही है, हाथ पैर कमजोर होते चले जा रहे हैं, या कुछ ऑटोनोमिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण उनकी हार्ट बीट रेगुलर रहने लगती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, स्वेटिंग के इश्यूज बॉडी के अपर पार्ट में आते हैं, या डाइजेशन यूरोजेनाइटल सिस्टम रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स आने लगती हैं, यूरिन बराबर से पास नहीं होता, या इनकॉन्टिनेंस वगैरह की शिकायत है। पर जो सबसे कॉमन है वो है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसकी हम आगे इन लेंथ चर्चा करेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से फूड हैं जिन्हें आप अपने डाइट में अगर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आप न्यूरोपैथी को अच्छे से डील कर सकते हैं, उसमें लाभ पा सकते हैं। साथ में कौन से सप्लीमेंट हैं जिनका सेवन करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कौन से तरीके हैं जिससे न्यूरोपैथी में लाभ पाया जा सकता है, और अगर आप डायबिटिक हैं तो आप काफी रीजनेबल प्राइस पर आपके लिए इसके रिवर्सल के कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। देखिए, मैंने सामने आपको लिंक दिया हुआ है, इस पर जाकर के आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं डायबिटीज कंट्रोल और रिवर्सल के लिए, जिसके अंदर न्यूरोपैथी को किस प्रकार से कंट्रोल और रिवर्स करना है ये भी गाइड किया जाता है, और साथ में होने वाले डायबिटीज के अंदर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो ये काफी रीजनेबल है। मेरे नाम का कोड डॉक्टर संजीव अग्रवाल डाल करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी पर, और साथ में हम चर्चा करेंगे जो दूसरे कारण है न्यूरोपैथी के उनके ऊपर, और उसके बाद में हम ऐसे नेचुरल तरीके जानेंगे जिससे न्यूरोपैथी को कंट्रोल किया जा सकता है, लाभ पाया जा सकता है, और इसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। दरअसल इसके अंदर जो सबसे कॉमन टाइप है वो है डिस्टल पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें मरीज शिकायत करता है मेरे पैर के तलवों के अंदर जलन होती है, थोड़ा सा चलता हूं तो पैर जलने लगते हैं, ठंडा पानी लगाना पड़ता है, फिर हाथ पैरों के अंदर पोकिंग सेंसेशंस आते हैं, जिस हिस्से में ग्लव्स या सॉक्स पहने जाते हैं उस हिस्से में खास तौर से मरीज ये शिकायत करता है। और दरअसल इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो डायबिटीज है उसके अंदर आपके खून में जब शक्कर अधिक मात्रा में रन करता है तो आपके खून के इनर लाइनिंग की, ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग है उसको वो डैमेज करता है, जिससे होता क्या है, उसको रिपेयर करने के लिए वहां पर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और बाकी की चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसको टेक्निकली एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब ये बड़ी वेसल्स में और छोटे खून की नलियों में, दोनों में ही होती है। तो जब पतली नलियों में ये समस्या आती है तो जो नर्व्स हैं, जो सिग्नल ब्रेन को लाती ले जाती हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का हटना, या ग्लूकोज या दूसरे न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल नहीं पाते, तो नर्व सफर करती है न्यूट्रिशन के लिए, और फिर उनमें डैमेजेस आने चालू होते हैं जो इस डायबिटिक न्यूरोपैथी का कारण बनते हैं। तो मरीज पोकिंग सेंसेशन, जलन के बारे में, चप्पल पैर से निकल जाने के बारे में शिकायत करता है, धीरे धीरे पैरों के सेंसेशन घटते चले जाते हैं, या उनमें जलन, बहुत तेजी का दर्द होता है, रात की नींद मरीज की खराब हो जाती है उस बर्निंग सेंसेशन के कारण। तो अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर्स ऐसी स्थिति में प्रेगालिन या गाबा पेंटिन जैसी दवाइयाँ देते हैं जो उन पेन के नर्व सिग्नल्स को ब्रेन तक जाने से रोकती हैं, जो एक टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए ठीक है,
पर परमानेंट रिलीफ के लिए कायदे से मरीज को अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स करना चाहिए, तो इसमें परमानेंट लाभ पाया जा सकता है और साथ में वो सप्लीमेंट लेना चाहिए जिससे नसों को रिपेयर किया जा सके। अब ऐसी स्थिति में जब सेंसेशन पैरों में धीरे धीरे कम आने लगते हैं, तो मरीज जब नंगे पैर चलता है, तो कई लोगों की आदत होती है घर में घर के बाहर निकल रहे हैं नंगे पैर निकल जाते हैं, उसमें धीरे धीरे इंफेक्शन हो जाता है और फिर ये कारण बनता है हाथ पैर की उंगलियों के काले पड़ने का या फिर उनके एम्पुटेशन का। और अगर इसमें सेप्टिसीमिया हो गया, इंफेक्शन बढ़ गया, पूरे बॉडी के अंदर गया, तो मरीज के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के मरीजों को अपने पैरों के अंदर सॉक्स पहन के रखने चाहिए जो हम गाइड करते हैं, और अच्छे से पैडेड शूज पहनने चाहिए जिससे न्यूरोपैथी के कारण उनके पैरों में घाव ना बने या फिर हाथों में कोई इंजरी ना हो। तो इस चीज का आप लोग विशेष ख्याल रखें। दूसरी जो डायबिटीज के अंदर कॉमन न्यूरोपैथी है, दैट इज डायबिटिक मोटर न्यूरोपैथी। अक्सर आपने डायबिटीज के मरीजों को सुना होगा ये कहते हुए कि मेरे हाथ पैर बहुत कमजोर हो गए हैं, मेरी मसल्स एकदम पतली हो गई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो ये वीकनेस का, हाथ पैरों के पतले पड़ने का, मसल वेस्टिंग का कारण मोटर डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है। इसके अंदर अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा सफिशियंट लें, थोड़ी सी प्रेशर या फिर जो एक्सरसाइजेस करें, वेट एक्सरसाइजेस या फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद में जो सबसे कॉमन कुछ समय के बाद होने वाली परंतु सबसे डेंजरस टाइप की जो न्यूरोपैथी है वो है ऑटोनोमिक डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और इसके अंदर भी सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम देने वाली समस्या आती है वो आती है हार्ट के साथ में, जिसको बोलते हैं कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। इसके अंदर हार्ट बीट कई बार इरेगुलर हो जाती है, ऐसे में डॉक्टर्स को बीटा ब्लॉकर और दूसरी दवाइयां देनी पड़ती हैं, उसको मैनेज करना पड़ता है। मरीज हाइपोटेंशन में जाता है, जैसे ही खड़े होगा एकदम से ब्लड प्रेशर उसका ड्रॉप हो जाएगा, उसको मैनेज करने में तकलीफ आती है। क्योंकि देखिए ये सारी चीजें ब्रेन से रेगुलेट हो रही हैं और अगर सिस्टम में गड़बड़ आ गया है, सिग्नल बराबर से जाएंगे नहीं, पास नहीं होंगे, तो ये समस्या आनी एकदम लाजमी है। इसके साथ में डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं पाता, कई बार खाना निगलने में मरीज को प्रॉब्लम आने लगती है क्योंकि सिस्टम पूरा गड़बड़ा गया है। ओइसोफेगस से जब जो खाने की नली है उससे जब फूड नीचे उतरता है तो उस समय जो मूवमेंट है वो इसोफेगस के वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, वो सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाता है, तो भोजन को निगलने में तकलीफ आती है। फिर यूरोजेनाइटल सिस्टम, सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, सेक्स की भारी समस्या आती है, यूरिन निकालने की इनकॉन्टिनेंस की समस्या आती है, तो ये यूरोजेनाइटल समस्याएं बनने लगती हैं। फिर इसके बाद में शरीर के ऊपरी हिस्से में पसीना बहुत अधिक आएगा या नहीं आएगा, और कई बार हाइपोग्लाइसीमिया के साइन सिम्टम मरीज को समझते ही नहीं है। जो लोग इंसुलिन के इंजेक्शन पर है, मान लीजिए डोजेस ज्यादा हो गए, उन्होंने इंसुलिन तो लगा लिया, भोजन अगर उस प्रकार से नहीं हुआ था तो रात के अंदर उनकी ब्लड शुगर लो चली जाती है और ऐसे में उनको साइन एंड सिम्टम स्वेटिंग या फिर घबराहट, शेकिंग, डिजीनेस, वो सब होता ही नहीं है और मरीज ऐसे में ही शॉक के अंदर चला जाता है। तो फिर ऐसे मरीजों को डॉक्टर बोलने लगते हैं कि आपकी ब्लड शुगर को थोड़ा भले हाई मेंटेन करें पर लो मेंटेन ना करें। तो इस प्रकार की समस्याएं लेटर स्टेज में आती हैं जिससे कायदे से मरीज को बचना चाहिए। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपका किस्सा इतना आगे बढ़ जाए उससे पहले ही आप इसको रिवर्स कर लें। अगर आपको सेंसरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए हैं, सेंसरी पेरिफेरल न्यूरोपैथी या मोटर न्यूरोपैथी, आप संभल जाएं, डाइटरी प्रोटोकॉल से डायबिटीज को पूरी तरह ठीक करें और इसको रिवर्स करने की कोशिश करें जैसा अक्सर मैं कोर्सेज के अंदर गाइड करता हूं। अन्यथा अगर सिचुएशन इतनी सीवियर हो गई तो आपने एक डायलॉग फिल्मों में सुना होगा, कई बार विलन को बोला जाता है कि भाई ऐसा बड़ा क्राइम ना कर देना कि लौट के आना मुश्किल हो जाए नॉर्मल लाइफ में। तो वही मैं डायबिटीज के मरीजों से बोलता हूं, खाने पीने का आपको शौक है, बराबर है, पर उस शौक में इतने मत बह जाना कि कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, कोई ब्रेन स्ट्रोक जैसा आ जाए, आंखें खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, डायबिटिक फुट में एम्पुटेशन हो जाए, इम्बेलेंस आ जाए बॉडी में। तो मैंने देखा है 30-30, 40-40 साल के यंग बच्चे लोग किसी के सहारे के बिना वो निकल ही नहीं पाते।
तो ऐसी स्थिति में आप पहुंचे उससे पहले ही अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें और कोशिश करें अगर आप रिवर्स कर सकते हैं तो, इससे आप आगे आने वाले और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, जिसके लिए मैंने कोर्सेज का आपको रेफरेंस भी दिया। अब इसके अपार्ट डायबिटीज के ही अंदर कई बार ये देखा जाता है कि शरीर की एकाध नस ज्यादा अफेक्ट हो जाती है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम, हाथ की नस अफेक्ट होती है, हाथ में सीवियर पेन, सुन्नपन आने लगता है, या फिर क्रेनियल नर्व्स इफेक्ट हो जाती हैं तो उससे विजन पर असर आने लगता है। कई बार आपने इवन ये भी देखा होगा कि डायबिटीज के लोगों को फ्रोजन शोल्डर काफी कॉमन है, इस प्रकार की तकलीफ आने लगती है, या फिर प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी। इसके अंदर होता क्या है, मरीज अक्सर बोलता है मेरे को जांघ के अंदर आगे की तरफ दर्द होता है, या बटक में दर्द होता है, या पेट में कहीं दर्द होता है। तो इस प्रकार की न्यूरोपैथीज भी कई बार कॉमनली देखी जाती है। अब डायबिटीज तो इसका सबसे बड़ा सेगमेंट है, परंतु इसके अपार्ट अगर मान लीजिए स्पाइन में नस दब रही है, डिस्क बल्ज के कारण दब रही है, तो मेरे पास में ऑर्थोपेडिक के ढेर पेशेंट आते हैं जिनका वजन बढ़ा हुआ है, कमर में, गर्दन में, डिस्क में बल्ज है, नस को दबा रहा है, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है उसको दबा रही है वो बल्ज डिस्क, और यही पेन फिर नीचे पैरों के अंदर जाता है, हाथों में आता है, रात को सोते हैं हाथ सो जाता है, उसके कारण घबरा करके मरीज उठ जाता है, या फिर नीचे कई लोगों को शियाटिका का पेन शुरू हो जाता है, या दोनों पैरों के अंदर नीचे टोज तक जो बाहर की साइड की उंगलियां हैं वहां तक दर्द जाता है, जांग के पीछे से, लेग के साइड से, फुट के साइड से होता हुआ, तो ये समस्या डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोट्यूजन या फिर डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन जैसी समस्या के अंदर आ सकती है और मरीज जीवन बेड रिडन हो सकता है। तो इन समस्याओं से बचना चाहिए, वजन कम करें या जो कंप्रेशन का कारण है उस कंप्रेशन को हटा करके लें। कई बार अगर मान लीजिए स्पाइन का कोई ट्यूमर है तो इस प्रकार की समस्या आ सकती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो B12 की जांच कराएं, B12 के सप्लीमेंट लें, परंतु इतने सप्लीमेंट ना ले लें कि कई डॉक्टरों को मैंने देखा है 5-5, 6-6 B12 के इंजेक्शन लगा देते हैं और वो पहुंच जाता है टॉक्सिक लिमिट पर 2000 पर। उसके बाद में जो नॉर्मल सप्लीमेंट है, क्योंकि न्यूरोपैथी को ट्रीट करने के लिए कई सारे विटामिन और सप्लीमेंट लगते हैं, जैसे हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है नर्वोकूल, इसे एक सुबह एक शाम लेने से आपकी न्यूरोपैथी में लाभ होता है। इसके साथ विटामिन डी और विटामिन ई के सप्लीमेंट अलग से ले सकते हैं, और अगर जलन ज्यादा है, रात को नींद नहीं आती, तो प्रेगालिन या गाबापेंटिन अपने डॉक्टर से या मुझसे प्रिस्क्राइब करवा करके ले सकते हैं, जैसे अल्फा लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, फिर उसके बाद में बी कॉम्प्लेक्सेस पूरे, विटामिन B2, B3, B6, B9। तो क्या करते हैं वो एक ही विटामिन इतना लोड कर देते हैं कि बाकी दवाइयां देने का स्कोप ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार का ना लें, एक लिमिट के अंदर ही B12 के इंजेक्शन लगाएं 2 या 3, जिससे वो नॉर्मल रेंज में आ जाए, फिर उसके बाद में बाकी के सप्लीमेंट्स का रास्ता खुला रहे, जिससे नर्व्स को अच्छे से हील किया जा सके। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट करें, अगर कीमोथेरेपी ली है तो उसके बाद में इसकी रिकवरी के लिए एफर्ट करें। जैसा अक्सर मैं बोलता हूं कि नर्वोकूल के साथ में विटामिन डी और विटामिन ई जैसे सप्लीमेंट लें, फिर अगर दर्द जलन ज्यादा है तो प्रेगालिन और गाबापिन जैसे सप्लीमेंट, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन अपने डॉक्टर से लिखवा करके लें, और अगर आपके डाइट में कोई टॉक्सिन्स आ रहे हैं तो उनको देखें, जिससे न्यूरोपैथी को कंट्रोल किया जा सके। अब इसके बाद में हम ये भी जानेंगे कि वो कौन से फूड हैं जो हम अपने रोजमर्रा में खा सकते हैं और न्यूरोपैथी में लाभ पा सकते हैं, वो भी हमको देखना जरूरी है, जिसमें अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन अपने डाइट में ही कर लेते हैं तो आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर जो रिच सोर्स है नॉन वेजिटेरियन के लिए, वो है फिश। तो फिश का सेवन 2 या 3 बार वीक के अंदर करें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्लैक्स सीड, चिया सीड, आलमंड सीड या फिर बादाम, अखरोट, इन चीजों का सेवन करें तो आपको एक मात्रा के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, खासतौर से वॉलनट के अंदर।
अब इसके अपार्ट आप दूसरे नट्स भी ले सकते हैं जो आपके शरीर में विटामिन, मिनरल और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बादाम, अखरोट, इसके साथ में कैशू और पिस्ताचू भी लिए जा सकते हैं और कई वेजिटेबल्स जिनके अंदर विटामिन मिनरल्स काफी अच्छे हैं। इवन ALA अल्फा लिपोइक एसिड की मात्रा अच्छी है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनका भरपूर सेवन करें। इसके साथ में बेरीज जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसके अंदर आते हैं चेरीज या फिर ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस या फिर होल ग्रेन भी लें जिसके अंदर किन्वा, इवन थोड़ी मात्रा में ब्राउन राइस, क्योंकि अगर डायबिटिक है तो ब्राउन राइस आपको संभाल के कंज्यूम करने हैं। साथ में ओट्स या मिलेट्स पर कॉशियसली करें, अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने ब्लड शुगर को देखते हुए करें। अक्सर मैंने रेसिपीज इसकी बना करके डाली हैं जो कई सारी वेजिटेबल्स के साथ में होती हैं, तो इसका विशेष ख्याल रखें। तो होल ग्रेन्स का सेवन करें, इसके साथ में बीन्स जिनके अंदर मैग्नीशियम, आपको खास तौर से मैग्नीशियम मिलता है जो हेल्प करता है आपके नर्व्स के रीजनरेशन में और साथ में पेन सिग्नल्स को रोकने में मदद करता है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो B12 का अच्छा सोर्स है जो नर्व्स की स्ट्रेंथ के लिए काम करता है। अब इन सारी चीजों के साथ में अपनी डाइट में कुछ चीजों को लेने से बचें, जैसे अल्कोहल, शुगर या सॉल्ट या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट या फिर प्रोसेस्ड फूड या फिर जो ट्रांस फैट हैं, अनहेल्दी फैट हैं वो, रेड मीट, इवन कॉफी भी कुछ केसेस के अंदर नुकसान पहुंचा सकती है, तो इस प्रकार की चीजों से आपको बचना चाहिए। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि और दूसरे कौन से तरीके हैं और वो कौन से सप्लीमेंट हैं जो डायबिटीज के अंदर लाभ करते हैं। एक तो आप वॉक अच्छे से करें, पैरों की मसाज करें, हाथों की मसाज करें जिससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो, और साथ में कुछ सप्लीमेंट जैसे अल्फा लिपोइक एसिड, ये आपके नर्व्स के जो इम्पल्स हैं उनके कंडक्शन को इम्प्रूव करता है और साथ में नर्व डैमेज को होने से फर्दर रोकता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, ये खुद ही एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, साथ में ये माइलिन शीथ को हील करने में आपकी मदद करता है जिससे टिंगलिंग और नमनेस में कमी आती है, दर्द जाता है, और साथ में ये पेनक्रियास के बीटा सेल को भी रिजुविनेट करता है जिससे इंसुलिन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसके साथ में जो दूसरा इंपॉर्टेंट विटामिन है वो है बेनफोटेमिन। दरअसल ये एक सिंथेटिक फॉर्म है विटामिन B1 का। विटामिन B1 जो है बेसिकली वाटर सॉल्युबल है, परंतु वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये ब्रेन तक बराबर से पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो जो बेनफोटेमिन विटामिन B1 का सिंथेटिक वर्जन है वो फैट सॉल्युबल होने के कारण आपके ब्रेन के सेल्स तक अच्छी तरह पहुंचता है और अपने इफेक्ट को डिलीवर करता है, जो थोड़ा महंगा भी आता है। इसके लिए इससे बने हुए प्रोडक्ट्स की कॉस्ट अक्सर आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बढ़ जाती है, तो ये नर्व कंडक्शन को इम्प्रूव करता है, दर्द को कम करता है, नर्व्स के अंदर सूजन को कम करता है जिससे नर्व डैमेज को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। साथ में विटामिन B12 जो इम्पोर्टेंट है आपके ब्रेन और नर्व्स के फंक्शन के लिए, इम्बैलेंस को रोकता है, माइलिन शीथ को रिपेयर करता है, डैमेज होने से रोकता है और नमनेस, टिंगलिंग और नर्व्स के फटीक को रोकने में मदद मिलती है, नर्व्स हेल्दी रहती हैं। इसके बाद विटामिन B6 जो मदद करता है एक अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में, जो प्रोटेक्ट करता है आपके नर्व्स की एंडिंग को जिससे बर्निंग सेंसेशन की समस्या खास तौर से घटती है। इसके अपार्ट B2, B9 भी इंपॉर्टेंट विटामिन है नर्व हेल्थ के लिए, विटामिन ए, विटामिन ई वो भी इंपॉर्टेंट है न्यूरोपैथी में, और मिनरल्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नीशियम, ये आपके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और डायबिटीज के अंदर सिचुएशन को संभालता है। इसके अपार्ट एसिटाइल एल कार्नेटिन जो नर्व की एनर्जी को इम्प्रूव करता है, पेन को रिड्यूस करता है, न्यूरोपैथी में मदद करता है। फिर विटामिन डी जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है जिससे नर्व सिग्नल बराबर से कंडक्ट हो सके, मसल का फंक्शन इम्प्रूव होता है, और इसके अपार्ट कई दूसरे सप्लीमेंट्स जो हमने नर्वो कूल में डाले हैं जैसे एल आर्जिनिन या फिर क्रोमियम पिकोनिलेट,
कर्क्यूमिन, कोएंजाइम Q10, तो ये सभी एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लामेटरी का काम करते हैं, आपके नर्व्स को रिजुविनेट करते हैं, ले सकते हैं। यदि न्यूरोपैथी रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है, आप सबमिट करें, मैं, मेरी टीम मदद करेगी।